अलविदा, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो आज मैं जो रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या रेसिपी है। वेल, तो मैं आप सबका डाउट क्लियर कर लेती हूँ। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आज रसगुल्ला, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमसली खाया जाता है मेनली दुर्गा पूजा के टाइम और हर टाइम एक्चुअली। बट वैसे तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं फॉर नॉलेज में बता के रखती हूँ कि कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से भी वेस्ट बंगाल का एक अलग ही रसगुल्ला है और उड़ीसा का एक अलग रसगुल्ला है। तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मैटर करता है, रसगुल्ला एंड रसगुल्ला, एंड सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एज वेल। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला होता है वो प्योरली छेना से बनता है, बट उड़ीसा में जो रसगुल्ला बनता है वो छेना में आइदर थोड़ा सा मैदा या फिर सूजी या फिर जो सेमोलिना या फिर रावा मिला के बनाया जाता है। तो दो चीजें कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी एक्चुअल ओरिजिन उसका क्या है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन। हमें तो खाने से मतलब होना चाहिए ना। तो चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि कैसे परफेक्ट रसगुल्ला कैसे बनाते हैं। तो होपफुली आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये रसगुल्ला और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध, नींबू या विनेगर, छोटी इलायची, चीनी और लास्टली मैदा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन पे दूध ले लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ऑफ दूध मैंने लिया है यहाँ पे। अभी हम इसको गर्म होने देंगे जैसे कि इसमें थोड़ा उबाल आ जाए, बट हमें इसको लो मीडियम फ्लेम में करना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं करना है और बीच बीच में इसी तरह ऐसे चलाना है। अगर आप चाहते हैं तो छेना कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल रेसिपी मेरे चैनल में ऑलरेडी है, तो वो जाके आप वो लिंक चेक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर ये जो ऊपर डिस्प्ले हुआ आई कार्ड बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा दूध ऐसे धीमी आंच में पकते हुए एक सुंदर सा उसके ऊपर एक लेयर बन चुका है। अभी ये परफेक्ट टाइम है कि हम दूध फाड़े, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी और विनेगर मिला लिया है और अभी मैं चम्मच से ऐसे साइड में से इसे डालते जाऊंगी जैसे कि हमारा दूध फटने लगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने विनेगर डालने के बाद थोड़ा मिला लिया तो हमारा दूध फटना स्टार्ट हो चुका है और अभी आप जैसे देख सकते हो कम्प्लीटली हमारा दूध जो है वो फट के अलग हो चुका है पानी से और अभी आप जैसे देख सकते हो पूरा पानी यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो हमारा जो छेना या फिर कडल मिल्क है वो रेडी है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सूती का कपड़ा ले लिया है और उसमें मैं ऐसे छान लूंगी। आपको इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा ठंडा पानी लेके इसको अच्छे से धो दूंगी ताकि हमने जो विनेगर डाला था उसका जो फ्लेवर है वो कम्प्लीटली चला जाए और हमारा जो कडल मिल्क या फिर जो छेना है वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए। अभी ऐसे हल्के हाथों से इसको ऐसे थोड़ा आपको प्रेस कर देना है, ज्यादा आपको ऐसे प्रेस करना नहीं है। और अभी इसको हम एक जगह पे ऐसे टांग के रख देंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस में वो चला जाए। तो 2 घंटे बाद अभी आप जैसे देख सकते हो मेरा जो कडल मिल्क है वो एक्चुअल परफेक्टली रेडी है। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ले लिया है बड़ा सा और उसमें मैं जो छेना ली थी वो उसको मैं ऐसे स्क्रम्बल कर दी हूँ और अभी जो है हमारा एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि मेन इम्पोर्टेंट चीज है हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बनेंगे। तो अभी हम इसको नीट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो ऐसे पाम के सहायता से आपको से धीरे धीरे लगातार 8 से 10 मिनट तक आपको ऐसे नीट करना है जब तक कि हमारा जो छेना है वो बहुत अच्छे से स्मूथ ना हो जाए और हम जब इसमें से बॉल बनाने की कोशिश करें तो वो स्मूथ बने। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने एक बॉल बनाने की कोशिश की और देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ उसमें स्टिल क्रैक हैं। मैंने जब बॉल बनाने की कोशिश की तो हमें फिर से छेना को और भी ज्यादा नीट करने की जरूरत है तो मैं फिर से नीट करूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ मैदा लिया है जो कि मैं यहाँ पे मिक्स कर लूंगी और फिर से अभी मैं इसको नीट करूंगी फिर से 5 से 7 मिनट तक। तो लगभग आपको 10 मिनट चाहिए होगा या फिर मैक्सिमम 15 मिनट तक अगर आप अच्छे तरह नीट करोगे तो वो रेडी हो जाएगा हमारा छेना। तो अभी 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली नीट करने के बाद चलिए मैं थोड़ा सा छेना लेती हूँ यहाँ पे और एक बॉल बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो स्मूथ आ रहा है मतलब हमारा छेना परफेक्टली रेडी है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो ऐसे हल्के हाथों से आपको दोनों अपने पाम के बीच में रख के इसको ऐसे गोला बनाना है आपको। तो अभी आप ध्यान से देखिए मैं आपको फिर से ऐसे पूरा पास से जूम करके दिखाती हूँ
तो अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे इसमें एक भी क्रैक नहीं है कहीं पे भी और पूरा परफेक्टली स्मूथ बना है। जैसे आपने पहले देखा था उसमें थोड़ा सा क्रैक था, बल्कि काफी क्रैक था, बट अभी आप जिसे देख सकते हो वो बहुत अच्छे से स्मूथ बन चुका है। तो इसी तरह हमने जितने भी हमारे छेना डो बनाया है उसमें से हम ऐसे बॉल बना लेंगे। तो लगभग आप ऐसे मीडियम साइज के बॉल में बना रही हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो इसमें से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो अभी आप जिसे देख सकते हो तो 10 हमारे जो रॉ बॉल बन गए हैं छेना में से। अभी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। और जैसे आपको पता है रसगुल्ले का जो सिरप होता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 कप पानी ऐड करूंगी। आप चाहे तो 3.5 कप से 4 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद हम अलाउ करेंगे कि हमारा चीनी जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची को क्रश कर लिया था और वो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो चीनी जैसे थोड़ा सा उबलना स्टार्ट करे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऑफ नींबू का रस डाल दिया है ताकि वो क्रिस्टल फॉर्म ना करे। तो कुछ टाइम के बाद अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा जो चीनी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी में और बहुत अच्छा से उबाल भी आ चुका है। तो अभी चीनी वाले पानी में मैं हमारे जितने भी छेना के बॉल्स बना के रखे थे वो बहुत ही आराम से डालती जाऊंगी, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें और धीरे धीरे डालें जैसे कि वो क्रैक ना हो। तो अभी हमारे छेना बॉल्स को मैं ढक लूंगी और कंटिन्यूसली अभी आपको 8 मिनट तक उसको पकाना है ढक के हाई फ्लेम में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाई फ्लेम में आपको पकाना है 8 मिनट ढक के, बीच में से ओपन बिल्कुल ना करें। तो अभी 8 मिनट के बाद चलिए लीड खोल के देखते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा रसगुल्ला फूल चुका है, ऑलमोस्ट डबल द साइज हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा एक स्पून के सहायता से ऐसे फ्लिप कर देंगे वो भी अच्छे तरह से पक जाए। अभी हमें ऐसे लीड ओपन करके 3 मिनट तक ऐसे पकाना है हाई फ्लेम में। 3 मिनट तक हमें इसको ऐसे बीच बीच में चलाना पड़ेगा और हमें इसे हाई फ्लेम में पकाना है विदाउट एनी लीड। 3 मिनट पकाने के बाद मैं अभी फिर से लीड लगा लूंगी और अभी हमें इसको लो मीडियम फ्लेम में पकाना है 15 मिनट। आप चाहे तो बीच बीच में इसको फ्लिप कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आपका लीड बंद रहे और आपको इसको 15 मिनट तक पकाना है। टाइमिंग कैलकुलेशन रसगुल्ला बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं चलिए आपको फिर से रिपीट करती हूँ और एक बार। पहले आपको लीड लगा के हाई फ्लेम में 8 मिनट को उबालना है। 8 मिनट उबल जाने के बाद फिर से 3 मिनट तक आपको विदाउट लीड हाई फ्लेम में उबालना है एंड देन फाइनली आपको 15 मिनट्स तक लीड ढक के मीडियम फ्लेम में आपको पकाना। चाहे तो आप बीच बीच में उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा जो रसगुल्ला है 15 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद अभी आप जैसे देख पा रहे हो बहुत अच्छे से वो एक स्पॉन्जी सा फूल के पूरा बड़ा हो चुका है और ऑलमोस्ट पूरा डबल द साइज हो चुका है हमने जितना भी छेना बॉल बनाया था। और हमारा जो रसगुल्ला है वो अभी रेडी है। तो अभी हम रसगुल्ले को फौरन से ही एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हमारा जो रसगुल्ले का शेप जो है वो इंटैक्ट रहे। अगर वो कढ़ाई में ऐसे ही रहेगा तो वो फ्लैट होने लगते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और हमारे जो शुगर सिरप जितना भी है मैं उसमें डाल दूंगी। और अभी हमें इसी तरह उसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने तक हमें छोड़ना है और उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद हमें इसको कंज्यूम करना है। तो होपफुली आपको ये जो रसगुल्ला कैसे बनेगा परफेक्टली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस दिवाली आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। बट मेक श्योर करें जो मैंने टाइमिंग कैलकुलेशन आपको बताया है वो आप फॉलो करना ना भूलें। अगर उसी तरह आप बनाएंगे तो मैं गारंटी देके कहती हूँ आपका रसगुल्ले बाजार से भी अच्छे बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।